आप देख रहे हैं न्यूज टुडे NT24। खबर सबसे पहले। खबर मिर्जापुर से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों को ज्ञापन की जगह चूड़ी भेंट करना चाहा तो वह बिना पत्रक लिए निकल गए। हाथरस गैंगरेप की शिकार पीड़ित लड़की के परिजनों से मिलने जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को रोककर उन्हें गिरफ्तार करने के विरोध में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन के रवैये से नाराज कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने वहां पर मौजूद एडीएम यूपी सिंह को ज्ञापन के साथ चूड़ी भेंट करना चाहा। महिलाओं के हाथ में चूड़ी देख एडीएम बिना ज्ञापन लिए निकल गए। बाद में वहां मौजूद देहात थाना प्रभारी ने ज्ञापन लिया। इस दौरान मौजूद कांग्रेस के पूर्व विधायक ललितेशपति त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं के साथ किए गए कृत्य की निंदा की। ये उत्तर प्रदेश में ये कांग्रेस पार्टी को और हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी को, उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी को, उत्तर प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पे चिंता है। आज वो उस बेटी के परिजन से मिलने के लिए दिल्ली से निकले, उनका दर्द बांटने के लिए, और जिस तरह का व्यवहार उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने हमारे नेताओं के साथ किया, उसकी हम लोग निंदा करते हैं, कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। अगर आज उत्तर प्रदेश में ये गुनाह हो गया है कि किसी का दर्द बांटने आप जाएं, अगर ये गुनाह हो गया है कि किसी के साथ अन्याय हुआ हो, उनको न्याय दिलाने के लिए आप विश्वास दिलाना चाहें कि उनके साथ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता खड़े, अगर ये गुनाह है तो हम कांग्रेस पार्टी के सारे साथी गुनाहगार हैं। इसकी बेटी मनीषा वाल्मीकि का जो बलात्कार हुआ है, मिनिमम जीव काटा गया, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उस चार हत्याओं ने उनको मिनिमम हत्या करके, अब पुलिस ने उनके मतलब की लाश को भी, उनके परिवार को भी नहीं सौंपा। इतने अत्याचार योगी सरकार के उसमें हो रहा है। हमारा ये मांग है कि उस लड़की को न्याय देना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो महिलाएं जब आक्रोश होकर सड़क उतर जाएंगी, सड़क से सांसद तक हम लोग संघर्ष करेंगे, और इसमें कोई पुलिस की और योगी मोदी की कोई हस्तक्षेप नहीं होगी। जब महिलाएं अपना खून बहाने पे ही तुल जाएंगी तो ये सरकार उठा के उखाड़ फेंकेंगी। क्या क्या भेंट की है आज आप लोगों को? हमने उनके चूड़ी भेंट किया, लिपस्टिक भेंट किया, बिंदी भेंट किया। हमारा ये मांग है कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते सरकार में रह के, और औरतों का जो मतलब कि जो होता है वो अत्याचार सिंगार, वो आप करके बैठिए। हमारा ये मांग है कि लड़कियों का जो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देने वाले इंसान जो योगी मोदी बैठे हुए हैं, जो लड़कियों पर अत्याचार हो रहा है, नारा तो दे देते हैं, बचाव नहीं कर पाते। योगी जी गुंडा राज पुलिस को इतना छूट दे रखा है कि पुलिस भी अपना मनमाना कर रही है, अपने दम पे ही पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट।